हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज में हमने आगे आगे बढ़ाते हैं, और आज कुछ काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और जो बच्चे अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, स्क्रीन को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा और इसका आंसर भी आप बता दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, यानी कि महिला भारतीय संघ, यानी कि WIA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एक मिनट, तो किस वर्ष हुई थी महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करें, खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं है तो आंसर तो मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो कह रहा है बाय द एक्ट ऑफ 1858 द इंडिया वॉज टू बी गवर्न गवर्न, यानी कि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को शासित किया जाना था। यानी कि बाई एक क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बाय द एक्ट ऑफ 1858 द इंडिया वॉज टू बी गवर्न, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है। कह रहा है पहला ऑप्शन क्या है, बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ द क्राउन, बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है आपका कौन, क्या सही है ऑप्शन, आपका क्या सही है? बी सही है, द इन द नेम ऑफ द क्राउन, जो 1858 हुआ था, अधिनियम द्वारा हुआ था, वो नेम ऑफ द क्राउन के द्वारा ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। तो कह रहा है द गदर पार्टी की जो कह रहा है, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1933 एट द सैन फ्रांसिस्को USA बाई, मतलब किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था ना। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आगे बढ़ते वक्त मैं कहूँगा कि जो लोग इस यूट्यूब चैनल पे हैं, नए आए हैं, अभी इस मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक्स और शेयर करना भी ना भूलें, और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस को टाइप करना, फिर PPT तैयार करना, फिर आप तक को लेके जाना, तो काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो आपसे तो उम्मीद यही करूँगा कि कम से कम आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारी मेहनत है वो मुझे दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को और या मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, जो पूना संधि थी 1932 के बीच में किसके द्वारा समझौते किया गया था, गांधी और अंबेडकर। गांधी जेल में थे और अंबेडकर जी आए थे पूना पैक्ट, इसकी कहानी बाद में जब लेक्चर चलेगा तो सर आपको जरूर बताएंगे ना। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स द नॉट डिफेंडेड सोल्जर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 केस डीलिंग विद द ट्रायल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के बीच बचाव नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या सही है, सी राजा गोपालाचारी ने, क्या किया था, राजा गोपालाचारी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच
ऑफ द फॉलोइंग ट्रिटीज ब्रॉट एंड एंड टू बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव सेकेंड के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो क्या था? तितिराव बेसन, मतलब ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन क्या है? सी, तितिराव बेसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? भारत में जो पहला अंग्रेजी जो उनका था, हु स्टार्ट द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर इन इंडिया, तो कौन सही किए थे? जे हैकी ने किया था। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द फर्स्ट वोमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो किसी भी राज्य की सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक बैंकिंग चंद चटर्जी है, तो बहुत ही कॉमन है, सभी लोगों को मालूम होगा। जिसको नहीं मालूम है आज जान जाए कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, क्योंकि वंदे मातरम का काफी चर्चा में रहता है आजकल। और नेक्स्ट द लास्ट बट नॉट लीस्ट है ना, कह रहा है कि हु इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता माना जाता है, वो कौन है? तो आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन रॉय थे। आधुनिक भारत उस समय काफी कुछ समाज सुधारक थे, कुरीतियों को दूर किया था राजा मोहन रॉय ने। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम डेली 10 क्वेश्चंस डेली लेके आएंगे, और ये ऐसा नहीं है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतने भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, या जितने भी वनडे टेट, सीटेट, सुपर टेट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री कहीं लेखपाल बदल जाएगी और सीयू सिटी के एग्जाम में कुछ और मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी, नहीं। सभी का एक ही जीएस है और सभी का एक ही क्वेश्चंस, एक ही पैटर्न होता है। वनडे एग्जाम में लगभग मैं 100% किसी भी बात नहीं कर सकता एग्जाम में, हाँ, लेकिन काफ़ी छाट के और कलेक्शन जो है हम लोग क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। आई थिंक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो भी आपको कमियां या कुछ भी नज़र आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, इसका सुधार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।